हेलो एवरीवन, वेलकम टू टायर ट्यूटोरियल। सो गाइज, आज मेरे पे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टायर हैं, और ये जो स्पेशल टायर है कौन सी बाइक में लगते हैं, कौन सी स्पेशल बाइक्स में लगते हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। ये अगर हम बात करें कौन कौन सी बाइक में लगते हैं, ये अपाची आरटीआर 200 में लग जाता है, ये जो टायर है पल्सर एएस 200 में लग जाता है, पल्सर 200 एनएस में लग जाता है, और दोस्तों सीवी आर 150 आर में लग जाता है। दोस्तों इस टायर की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बाइक में लगता है, और बहुत सारी अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स जो बाइक हैं उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं ये सारे टायर्स। जो दोस्तों आज मेरे पास टायर है उसका जो साइज़ है वो मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ, 130/70R17 मेरे पास टायर है, यानी कि 130/17-17। दोस्तों आज जो मेरे पास कंपनीज़ हैं, चार कंपनीज होने वाली हैं, चारों कंपनी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैंने कोशिश करी है इस वीडियो के अंदर बजट टायर आपके पास लेके आऊँ, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो बनाती हैं इन टायर को, जैसे मिचलिन हो गया, प्रेली हो गया, तो मैंने बजट टायर लिए हैं प्लस इंडियन टायर लिए हैं इस वीडियो के अंदर। आप देख सकते हैं चार कंपनीज़ हैं मेरे पास, मैं कौन कौन सी कंपनीज़ है वो आपको बताता हूँ। TVS है मेरे पास, सीएट है, अपोलो है और MRF है। दोस्तों चारों कंपनी इंडियन है सबसे बड़ी बात, और काफ़ी अच्छे टायर्स बनाती हैं। सारे टायर्स के बारे में बात करने वाले हैं, प्राइस के साथ, वारंटी के साथ, सर्विस कैसी मिलने वाली है, किस टायर की लाइफ ज़्यादा है, सब कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है आप स्टॉक ने। दोस्तों हम कहीं ना कहीं जब पहले ट्रेडिंग करते थे तो हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे फिजिकल फॉर्म में, बट आज की तारीख में आप स्टॉक ने इसे काफ़ी हद तक कम कर दिया, और बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म आपको दिया है ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों इसके थ्रू आप कहीं पे भी कहीं कोई से भी शेयर्स खरीद सकते हैं, IPO खरीद सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं ट्रेडिंग काफ़ी ईजी लगेगी। तो ये जो ऐप है काफ़ी अच्छा ऐप है, आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसमें फ्री में अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, साइनअप कर सकते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको पास दिखाने की कोशिश करता हूँ ये सारे टायर्स को। सारे ही टायर जो होते हैं लगभग जैपर गुड्डी में आते हैं, यानी कि जैपर पैटर्न में आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे ही टायर्स मेरे पास जो हैं इस साइज़ के अंदर सारे ही टायर्स जैपर पैटर्न आपको मिलेंगे। सबसे बड़ी बात, गुड्डी वाले जो टायर होते हैं जो कि मोटी गुड्डी के होते हैं वो नहीं मिलेंगे इस पैटर्न के अंदर, आपको जैपर वाले ही टायर मिलेंगे। मैक्सिमम टायर आपको जैपर वाले मिलेंगे, सारी ही कंपनी जैपर वाले टायर बनाती है। दोस्तों सारे ही इस ट्यूबलेस टायर हैं और सारे ही रेडियल टायर हैं, आगे मैं बताने वाला हूँ हर टायर के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे पास जो टायर है वो है TVS का। दोस्तों ये जो TVS का टायर है ये आपको बाइक के साथ अपने देखने को मिलता है, जो आप जब भी आप TVS अपाची RTR 200 लेते हैं तो उस बाइक के अंदर यही टायर आपको देखने को मिलता है। टायर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, रेट भी रीजनेबल है, वारंटी भी अच्छी है, तो और काफ़ी अच्छी वारंटी भी कंपनी इस टायर के साथ आपको दे देती है, यानी कि आपका टायर कहीं से 3 साल तक कटता है फटता है तो क्लेम कर देती है। 5 इसमें मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिलती है, यानी कि आपका टायर कहीं से फूलता है चटकता है तो भी क्लेम कर देती है इस टायर। रेट्स भी आपको मैं कंफर्म करा दूँगा, जिससे आपको मार्केट में जाके एक्सप्लोटेशन आपका ना हो, आपको साथ धोखाधड़ी ना हो, इससे आपको ज़्यादा पे करना ना पड़े इस टायर के लिए। तो मैं आपको इसके जो रेट्स हैं वो भी सारे ही टायर्स के नीचे बता दूंगा। तो गाइज नेक्स्ट जो मेरे पास टायर है वो है सीएट का। सीएट का आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ इस टायर को। तो इस टायर की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी अच्छा टायर है सीएट भी, और इस टायर की अगर हम लुकिंग की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छी लुकिंग इस टायर को कंपनी ने दी है, जिससे टायर की काफ़ी अच्छा लगता है बाइक में लगने के बाद, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक आता है बाइक को। तो आप देख सकते हैं लुकिंग कितनी प्यारी है इस टायर की, बहुत अच्छी लुकिंग है। थोड़ी बिजली की तरह जो कट्स होते हैं टायर में वो दिए है कंपनी ने इस टायर को। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सीएट की ब्रांडिंग, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है 130/70/17 जो कि टायर का साइज़ है। आप जब भी टायर लें तो ये ज़रूर देखें कि वो पूरा ओरिजिनल साइज़ है या नहीं है, यानी कि जो आपकी बाइक में है, ये मेन साइज़ यही होता है 130/70/17। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखी गई है, आप जब भी देखें, जब भी टायर लें तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज़रूर देखें। जूम एक्सल इसका पूरा नाम है, सीएट जूम एक्सल इसका मॉडल नंबर है, जूम एक्सल सीएट कंपनी का नाम है और जूम एक्सल मॉडल नंबर है इस टायर का। इस टायर की अगर हम साइड वॉल की बात करें तो साइड वॉल भी काफ़ी अच्छी है। ये जो टायर है मीडियम रेंज का टायर है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है और मीडियम रेंज में अगर मेरे को एक अच्छा टायर चाहिए तो आप बिल्कुल सीएट की तरफ जा सकते हैं। वारंटी अच्छी है, काफ़ी अच्छी सर्विस आपको दे देगा ये टायर। थोड़ी सी मैं कहूँगा कि लाइफ थोड़ी कम है और टायर से अगर हम कंपेरिजन करें, क्योंकि इसकी जो घिसावट है थोड़ी ज़्यादा आती है सीएट के अंदर, हमेशा से सीएट के अंदर ज़्यादा घिसावट आपको देखने को मिलेगी। लिंक भी इसका नीचे दे दूंगा, प्राइस भी नीचे आपको इसका मैं बता दूंगा। सेम वारंटी, जैसे 3 साल कट जाए फट जाए तो कंपनी क्लेम कर देती है, 5 ईयर्स में मैनुफैक्चरिंग वारंटी मिल जाती है, जो कि हर कंपनी आपको देती ही देती है। दोस्तों नेक्स्ट जो मेरे पास टायर है वो है अपोलो का अल्फा S1। दोस्तों ये जो टायर है पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है, क्यों अच्छा लगा है वो भी आपके बात करने वाले हैं। इस टायर की अगर हम बात करें तो ये जो टायर है मिचलिन से टक्कर ले सकता है, मैं कह सकता हूँ
पैराडाइज से ले सकता है, बहुत अच्छी सर्विस आपको देगा ये। अपोलो कंपनी ने न्यूली लॉन्च है और कहीं ना कहीं कंपनी काफ़ी प्रमोट कर रही है इस टायर को। वारंटी भी अच्छी है टायर की लाइफ भी अच्छी है और सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। कंपनी का कहना है अगर आप इस टायर को यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन आपको इस टायर से मिलेगा, काफ़ी अच्छी सर्विस देगा। ये जो टायर है कहीं ना कहीं अलग टेक्नोलॉजी पे बेस है और कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा सर्विस टायर ये देगा। इस टायर की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा टायर मेरे को लगाया है। इसका जो रबर कंपाउंड है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट यूज़ किया गया है इस टायर के अंदर। साइड वॉल बहुत हैवी है और कहीं ना कहीं टायर को एक अलग मजबूती मिलती है। इसकी रबर क्वालिटी कहीं ना कहीं अलग लेवल की है, जो कि तो मेरे हिसाब से अगर आप चाह रहे हैं एक अच्छा टायर बाइक के लिए अपनी, और कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि मेरे को एक ऐसा टायर चाहिए जिसकी सर्विस ज़्यादा हो और बहुत अच्छी लाइफ हो टायर की, वारंटी भी अच्छी हो, तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट टायर रहने वाला है अपोलो का अल्फा S1। आप इस टायर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको खुद लगेगा कि ये टायर की जो रबड़ है काफ़ी अच्छी है और वारंटी भी कंपनी बहुत अच्छी देती है। 2 साल की इसमें कटने फटने की वारंटी देती है, यानी कि अनकंडीशन वारंटी मिल जाती है। 5 साल तक फूलने चटकने की वारंटी देती है, यानी कि मैनुफैक्चरिंग वारंटी मिल जाती है इस टायर के साथ। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अच्छा टायर है। अगर आप सोच रहे हैं बिल्कुल आप अपने नज़दीकी अपोलो डीलर्स के पास जा सकते हैं और इस टायर को फिज़िकली देख सकते हैं, जो कि आपको खुद महसूस होगा कि ये टायर काफ़ी अच्छा है। ऑनलाइन लिंक भी इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्राइस भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, तो आप प्राइस भी ज़रूर चेक कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। दोस्तों नेक्स्ट जो मेरे पास टायर है वो है MRF का, और MRF का ये जो टायर है बहुत अच्छा टायर है, घिसावट काफ़ी कम आएगी इस टायर के अंदर। अगर हम बात करें इसकी लुकिंग की, आप देख सकते हैं जो कट्स दिए हैं बहुत अच्छे कट्स दिए हैं, जिससे कंपनी का कहना है ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी मिलने वाली है इस टायर के साथ। आपको काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग मिलने वाली है, बहुत लाइफ तो ज़्यादा है इस टायर की, क्योंकि MRF हमेशा से ही रबड़ क्वालिटी जो होती है, रबड़ कंपाउंड जो होता है वो काफ़ी हार्ड रबड़ कंपाउंड होता है, जैसे आपको लाइफ काफ़ी अच्छी मिलती है टायर की। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ MRF की ब्रांडिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन में टायर के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है MRF नाइलो ग्रिप जैपर S1, ये पूरा नाम है इस टायर का, और ट्यूबलेस ये टायर है। 130/70/17 इसका साइज़ है। डेट ऑफ मैनुफैक्चरिंग भी टायर के ऊपर दी जाती है जब भी आप टायर लें, तो मैं फिर बोल देता हूँ डेट ऑफ मैनुफैक्चरिंग ज़रूर देखें टायर के ऊपर, जिससे आपको वारंटी में दिक्कत ना आए, और जब भी आप टायर लें तो डीलर से ही परचेज़ करें, डीलर के अलावा कहीं पर टायर ना। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं, आप अगर MRF के फ़ैन हैं और MRF का टायर डलवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप MRF की तरफ जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा टायर है MRF का नाइलो ग्रिप जैपर S1। तो बिल्कुल इसका जो रेट्स है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बता दूंगा। अनकंडीशन वारंटी आपको इस टायर के साथ नहीं मिलेगी, ओनली मैन्युफैक्चरिंग वारंटी इस टायर के साथ कंपनी देती है। दोस्तों लास्ट जो मेरे पास टायर वाला है वो है अपोलो का। दोस्तों पहले जो मैंने मॉडल दिखाया था वो सबसे अच्छा मॉडल था अपोलो के अंदर, यानी कि उसकी टेक्नोलॉजी सबसे अलग थी। दोस्तों ये भी अपोलो का टायर है, ये मैं आपको दिखाता हूँ अपोलो की ब्रांडिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोटेशन एक साइन दिया गया है यहाँ पर, जब भी आप टायर डालें तो रोटेशन के हिसाब से डालें। इसका जो नाम है वो है एक्टिजेप R5 और 130/70/17 इसका साइज़ है, और यहाँ पे ट्यूबलेस टायर भी लिखा गया है। और कहीं ना कहीं इस टायर की अगर हम बात करें तो ये भी ठीक ठाक टायर आपको सर्विस दे देगा, अगर आप चाहते हैं कि कम रेंज का टायर और जो कि अच्छी सर्विस दे दे, यानी कि मीडियम रेंज का। बहुत कम इसकी रेंज है, नीचे भी आपको रेंज में बता दूंगा क्या इसकी प्राइस होने वाला है, तो उस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छी सर्विस आपको ये दे देगा। अगर आप चाह रहे हैं एक अच्छी रेंज का टायर, मतलब मीडियम रेंज का टायर, और जिसकी वारंटी अच्छी हो, सर्विस अच्छी हो, कंपनी भी अच्छी हो, तो ये एक वैसा टायर है। इस टायर की अगर हम बात करें तो पैकेजिंग काफ़ी अट्रैक्टिव की है कंपनी ने, आप देख सकते हैं कोई भी टायर ने ऐसी पैकेजिंग नहीं की है, किसी भी कंपनी ने ऐसी पैकेजिंग नहीं की है। तो इस टायर की अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग कंपनी ने इस टायर को दी है, काफ़ी अच्छी लुकिंग भी टायर को दी है। तो अगर आप सोच रहे हैं एक ऐसा टायर जिसकी प्राइस कम हो, सर्विस अच्छी हो, तो बिल्कुल आप अपोलो की तरफ जा सकते हैं, अपोलो एक्टिजेप R5। इसका जो लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेजोन पर जाके परचेस कर सकते हैं और ऑफलाइन मार्केट में भी परचेस कर सकते हैं जाके। इसका प्राइस भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा क्या इसका प्राइस होने वाला है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और कहीं ना कहीं आपको एक हेल्प पहुंची होगी जब भी आप टायर लेने का सोच रहे हैं। तो दोस्तों मैंने सारे ही टायर्स के बारे में बताने की कोशिश करी आपको, और कहीं ना कहीं अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं कि मेरे हिसाब से आपको कौन सा टायर डलवाना चाहिए अपनी बाइक के अंदर, तो मेरे हिसाब से आपको अगर अपोलो अल्फा S1 की तरफ जा सकते हैं और MRF नाइलो ग्रिप जैपर S1 की तरफ जा सकते हैं। ये दोनों ही टायर काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं अपनी बाइक के लिए और काफ़ी अच्छी सर्विस दे देंगे, बहुत अच्छी सर्विस देंगे आपको। अगर आप दोनों ही टायर में से कोई सा भी टायर अपनी बाइक के अंदर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी अच्छी सर्विस मिल जाएगी। दोनों ही टायर बहुत पेटेंट कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत सर्विस भी आपको काफ़ी अच्छी दे देंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो देखने धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।